नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर के अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पटरी पर लौटा हिमाचल का पर्यटन कारोबार, वीकेंड पर 80 से 90 प्रतिशत तक व्यवसाय। हिमाचल के मंदिरों में उमड़ने लगी आस्था, बाबा बालकनाथ के दर पर 3000 भक्तों ने नवाया शीश। नेरवा में बरामदे में खेल रहे 1.5 साल के बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ, मासूम की मौत। प्रदेश में कोरोना के 31 नए केस आए सामने, 3172 हुए एक्टिव मामलों की संख्या। हिमाचल में 207 पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, दो और लोगों ने तोड़ा दम। ऊना के महतपुर में भीषण अग्निकांड, स्क्रैप उद्योग में आग लग जाने से लाखों का नुकसान। फाइनल अप्रूवल के लिए देहरादून भेजी भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के दूसरे चरण की रिपोर्ट। हंगामा 2 फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली पहुंची शिल्पा शेट्टी, जा सकती है अटल टनल। हिमाचल में सुबह शाम ठंड का एहसास, दिन में गर्मी छुड़ा रही पसीने। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी में भारी आर्थिक मंदी की मार झेल रहे पर्यटन कारोबार में अब बहार आने लगी है। प्रदेश में सैलानियों की चहलकदमी बढ़ने से पर्यटन व्यवसाय भी पटरी पर लौट आया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला पर्यटन कारोबार अब परवान चढ़ने लगा है। वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों के पहुंचने से मंदी की मार झेल रहे कारोबार को पंख लगने शुरू हो गए हैं। राज्य के अधिकांश पर्यटक स्थल वीकेंड पर सैलानियों से जैम पैक रहे। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा सहित पंजाब से काफी संख्या में सैलानी हिमाचल पहुंचे हैं। होटल एसोसिएशन के मुताबिक इस बार वीकेंड पर प्रदेश में 80 से 90 प्रतिशत कारोबार हुआ है। उम्मीद है कि राज्य में जल्द ही सैलानियों की पहले की तरह चहल पहल शुरू हो जाएगी। धार्मिक स्थलों के दरवाजे खुलते ही हिमाचल के मंदिरों में भक्तों का आना शुरू हो गया है। रविवार को बाबा दियोट सिद्ध में 3000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। चलिए आपको ले चलते हैं शाहतलाई। कोरोना संकट के बीच मंदिरों में श्रद्धालुओं की हाजिरी शुरू हो गई है। रविवार को लगभग 3000 श्रद्धालुओं ने बाबा बालकनाथ की तपोस्थली शाहतलाई में शीश नवाया। वैश्विक महामारी के चलते प्रशासन द्वारा यहाँ पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मंदिर परिसर को समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना का खतरा कम बना रहे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग व हाथ सैनिटाइज करवाने के बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री अबव 90% फॉर बीटेक, एमटेक, बीएचएमसीटी एंड एमटीटीएम। 20% डिस्काउंट इन ट्यूशन फी एंड 100% इन सिक्योरिटी फॉर ऑल द न्यू एडमिशन इन यूजी एंड पीजी कोर्सेज फॉर फुल कोर्स। University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D-Pharma, B-Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ। शिमला के नेरवा में शनिवार रात बरामदे में खेल रहे 1.5 साल के बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया और उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। नेरवा के शैला गांव में शनिवार रात एक तेंदुआ 1.5 वर्षीय मासूम को घर के बरामदे से उठा ले गया। बताया जा रहा है कि मजदूरी करने वाला नेपाली मूल का दिनेश बहादुर अपने 4 बच्चों के साथ कमरे में बैठा था, जबकि उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। इतने में उसका 1.5 साल का बच्चा कमरे से बाहर निकल गया। इसी बीच घात लगाए बैठे तेंदुआ बच्चे को उठा ले गया। परिजनों और ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ लहूलुहान बच्चे को छोड़कर झाड़ियों की तरफ भाग गया। घायल मासूम को परिजनों ने तुरंत नेरवा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर, पहले भी विभाग को हमने कई बार सूचित किया है कि भी जैसे जैसे यहाँ पर बादल का खौफ है गाँव में, नहीं इसमें कोई पूछ नहीं हो रही। ठीक है, बोलते है ठीक है जी, आएंगे करेंगे कुछ। कई बार तो बछड़े अंदर से ले जाते हैं, वहाँ जो नजदीक के मकान उनको तो खतरा है डेली, तो पहले से ही खौफ में जी रहे हैं। फिर आज तो उसने एक बच्चे को उठा लिया। अब गांव में बिल्कुल खौफ है, लोग सब घरों में दुबक चुके हैं, बच्चे डर रहे हैं।
हम तो ये चाहेंगे कि विभाग इसमें जल्दी से जल्दी कुछ। प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही है। रविवार शाम तक हिमाचल में 31 नए मामले कोरोना संक्रमण के आ चुके थे। देखिए आज की कोरोना अपडेट। हिमाचल में रविवार को कोरोना का आंकड़ा 15,731 तक पहुंच गया। अंतिम सूचना मिलने तक प्रदेश में 31 नए मामले कोरोना वायरस के आ चुके थे। इनमें चंबा में 9, हमीरपुर में 4 और कांगड़ा में 7 नए केस शामिल हैं। इसके अलावा कुल्लू में 3, मंडी में 11 और शिमला जिला में 2 नए मामले कोरोना वायरस के आए हैं। दूसरी ओर 154 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 3,172 है, जबकि 954 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। हिमाचल में कोरोना से मौत का आंकड़ा 207 पहुंच गया है। रविवार को भी प्रदेश में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में रविवार को कुल्लू जिला के 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें से एक नेरचौक मेडिकल कॉलेज और दूसरे ने IGMC शिमला में दम तोड़ दिया। नेरचौक में भर्ती 58 वर्षीय मरीज पिपले क्षेत्र का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि उन्हें 2 अक्टूबर को कोविड अस्पताल नेरचौक में उपचार के लिए लाया गया था। वह कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे और शनिवार की रात को 11 बजे के करीब उनका निधन हो गया। इसी तरह कुल्लू के 85 वर्षीय बुजुर्ग ने IGMC शिमला में दम तोड़ दिया। वह शुगर और ब्लड प्रेशर से भी जूझ रहे थे। ऊना के महतपुर में रविवार को एक भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें स्क्रैप उद्योग को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पेश है ये रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र महतपुर के एक स्क्रैप उद्योग में अचानक आग लग गई। लपटें इतनी प्रबल थीं कि इन पर काबू पाने के लिए नंगल बा ऊना की 8 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। अंतिम सूचना मिलने तक घंटों बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। फिलहाल सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के साथ SDM ऊना व थाना प्रभारी गौरव भारद्वाज भी मौके पर पहुंच गए थे। आग कैसे लगी अभी पता नहीं चल पाया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। FCA के फाइनल अप्रूवल के लिए रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दी गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन पर लगाई गई आपत्तियों को दुरुस्त कर दिया गया है। अब देहरादून कार्यालय से सेकंड फेज के फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद अगली प्रक्रिया चलेगी। फेज 2 के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के देहरादून विंग ने 2 ऑब्जेक्शन लगाए थे, जिस पर विभागीय टीम ने स्पॉट विजिट कर तकनीकी प्वाइंट को दुरुस्त कर फिर से रिपोर्ट भेजी है। इसके अलावा तीसरे चरण के सर्वे के तहत जकातखाना से बरमाणा तक चिन्हित एरिया में FCA क्लियरेंस के लिए केस तैयार हो रहा है। बता दें कि धरोड़ तक FCA की फाइनल अप्रूवल हो चुकी है और पेड़ कटान की प्रक्रिया चल रही है, जबकि दूसरे चरण में धरोड़ से जकातखाना तक अप्रूवल के लिए प्रोसेस जारी है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी अटल टनल के दीदार को हर कोई बेताब है। इसी क्रम में रविवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मनाली पहुंची हैं। आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पिछले कल राष्ट्र को समर्पित अटल टनल को देखने के लिए अब बॉलीवुड हस्तियों ने भी मनाली का रुख करना आरंभ कर दिया है। इसी कड़ी में अटल टनल का दीदार करने वाली पहली अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हो सकती हैं। शिल्पा शेट्टी हंगामा 2 फिल्म की शूटिंग के लिए रविवार को दोपहर 2:30 बजे चार्टर विमान के जरिए भुंतर एयरपोर्ट पर उतरी और फिर मनाली के लिए रवाना हो गईं। बताया जा रहा है कि वह यहां पर लगभग 20 दिन तक रुक सकती हैं और अटल टनल रोहतांग का भी दीदार कर सकती हैं। हिमाचल में वीकेंड पर मौसम सुहावना बना रहा। अधिकतर क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही, जिससे तापमान में हल्का उछाल भी आया। आइए नजर डालते हैं आज की वेदर रिपोर्ट पर। हिमाचल में अब सुबह शाम ठंड महसूस की जा रही है, हालांकि दिन में हल्की गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहेगा। बात अगर रविवार की करें तो रविवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। दिन के समय धूप खिली रही, जिससे गर्मी का एहसास हुआ, मगर शाम के समय फिर से ठंडी हवाओं का प्रवाह शुरू हो गया और अधिकतम तापमान में गिरावट आ गई। ऊना और कल्पा को छोड़कर समूचे प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में मौसम साफ बने रहने की उम्मीद है, जिससे तापमान में उछाल आ सकता है। राज्य में अभी भी अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक चल रहा है। और अब चलते चलते अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर कल 17 अध्यापकों को सम्मानित करेगी सरकार। पीटरहॉफ में होगा समारोह। हिमाचल कांग्रेस का प्रदेश व्यापी अन्नदाता किसान संवाद कल से पांवटा साहिब से होगा आगाज।
जवाली के कुठेड़ में 605 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथ दबोचे दो युवक, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। और बीपीएल घोटाले में दो नए मामले ट्रेस, घुमारवी के टीजीटे ने जमा करवाए रिकवरी के 68,000 रुपए। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही, प्रदेश भर के अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।